हेलो सर, हम बात करते हैं हायर के डिफ्यूजर के बारे में। ठीक है, इसका जो मॉडल है HCC 345 HC, ये हायर का 345 लीटर डिफ्यूजर है। हायर के डिफ्यूजर के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या है सर, अदर ब्रांड से अगर कंपेयर करूं तो अदर ब्रांड चारों तरफ से कूलिंग करता है, इसमें जो कूलिंग होती है आपकी पांचों तरफ से कूलिंग होती है। इसमें जो कूलिंग कॉइल जो दी गई है पांचों साइड दी गई है, अदर ब्रांड में दी जाती है आपकी चारों साइड, नीचे से कूलिंग नहीं होती, इसमें नीचे से भी कूलिंग होती है। इसके अंदर जो सीट दी गई है सिल्वर सीट दी गई है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि इससे जो कूलिंग होती है 2 टाइम फास्टर कूलिंग होती है, ये जल्दी ठंडा करती है, अदर ब्रांड में नहीं है। तो तीसरी बात करता हूँ सर इसकी थिकनेस की। इसकी जो आप डोर की जो थिकनेस देख रहे हो सर, इसकी पफिंग जो देख रहे हो हम डोर की, इसकी डिफ्रीजर की, इसकी जो पफिंग है 75 mm की पफिंग है इसकी। अदर ब्रांड में आती है, किसी में 60 आती है, किसी में आपकी 65 आती है। तो सबसे हैवी पफिंग है वो आपकी हायर के डिफ्रीजर की, सबसे हैवी पफिंग है, इससे बहुत फास्ट होती है। अब तीसरी चीज़ की बात करूँ, इसमें जो माइनस जो डिफ्रीजर है हमारा जो जाता है वो 30 डिग्री तक माइनस में जाता है, अदर का जो डिफ्रीजर जाता है वो 18 डिग्री माइनस जाता है। तो 30 डिग्री तक माइनस में जाता है हमारा डिफ्रीजर, जिससे कि आपकी कूलिंग जो है लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है। चौथी चीज़ की बात करूँगा इसमें सर, जो इसमें जो गैस यूज की गई है, गैस इसमें R290 गैस यूज की गई है, जिससे क्या होती है कूलिंग आपकी फास्ट होती है और आपका जो पावर है 40% पावर सेविंग करता है। इसमें कंपनी ने बोला है कि इसमें आपको स्टेपलर लगाने की नीड नहीं है। 160 से लेकर 260 का कंट्रोल इनबिल्ट इसके अंदर दिया गया, जो कि अदर ब्रांड के अंदर नहीं है, वो इस डी फ्रिज के अंदर दिया गया। इसकी जो अगर कूलिंग की बात करूँ, लाइट जाने के बाद अदर ब्रांड कहती है कि हमारी कूलिंग जो रहती है लाइट जाने के बाद 6 से 8 घंटे रहती है। तो इस हायर के डिफ्रीजर की बात करूँ, इसमें जो कूलिंग रहती है आपकी कंपनी कहती है 100 घंटे तक कूलिंग रहती है। और डिपेंड करता है सर आपके ऊपर कि आप डोर को कितनी बार ओपन कर रहे हो, कितनी बार बंद कर रहे हो। अब जितना ज़्यादा ओपन करोगे उतना बंद करोगे उतनी कूलिंग वेस्ट होगी, अब जितनी देर तक डोर बंद रहेगा उतनी ज़्यादा इसमें कूलिंग बनी रहेगी। इसमें अगर अदर ब्रांड से बात करूँ, इस बार ब्रांड की बात करूँ, तो इसमें वारंटी की अगर बात करता हूँ, तो वारंटी जो इसमें आती है आपकी 4 साल कंप्लीट वारंटी है, पूरे डिफ्रीजर की 4 साल आपकी वारंटी मिल रही है और 1 साल आपका एडिशनल कंप्रेशर की मिल रही है। अदर ब्रांड में क्या होता है कि 1 ईयर कंप्लीट आती है आपकी, 4 साल कंप्रेशर आती है। इसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मतलब 4 साल कंप्लीट वारंटी का बेनिफिट आपको मिल रहा है। और इसमें अदर ब्रांड में क्या होता है कि सर 1 साल बाद अगर आप इंजीनियर या किसी को बुलाते हो विजिटिंग चार्ज लगता है, इसके अंदर आपको विजिटिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होगा।